नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज धनतेरस है तो सबसे पहले आप सभी को धनतेरस की ढेरों शुभकामनाएं। आप ढेरों खरीदारी करें, जैसा कि धनतेरस पर होता है कि लोग सोना चांदी गाड़ियां और काफ़ी खरीदारी करते हैं और यह शुभ संकेत माना जाता है। और हम लोग पहुंचे हैं भिवानी के घंटाघर चौक। आप देखिए, पूरी मार्केट आपको दिखाई देगी। यहाँ इतनी भीड़ भाड़ है कि पाँव रखने की जगह नहीं, हम लोग कह सकते हैं। अभी हम आपको दिखाएंगे मार्केट में चलकर क्या माहौल है मार्केट का, सुरक्षा की दृष्टि से क्या प्रशासन ने व्यवस्था की है, और उसके अलावा लोग कैसी खरीदारी कर रहे हैं यहाँ पर और क्या चाह रहे हैं। कुछ लोग सोना चांदी बर्तन कपड़े क्या क्या लेना चाह रहे हैं। हम लोग कुछ दुकानदारों से भी बात करेंगे और आम जन से भी बात करेंगे। आइए, हम आपको लिए चलते हैं भिवानी के घंटाघर मार्केट में। ये है भिवानी के घंटाघर के दृश्य, जहाँ पुलिस सुरक्षा व्यवस्था मचान के थ्रू भी देखिए, दूरबीन के थ्रू पुलिस सिक्योरिटी नज़र रखे हुए है एक एक आमजन पर, कि कहीं इस भीड़ भाड़ का फ़ायदा उठाकर चोर उचक्के जेब कतरे भी कर सकते हैं गड़बड़। आप भी नज़र बनाए रखिए और सावधानी से शॉपिंग करिए, क्योंकि भीड़ भाड़ अत्यधिक है भिवानी के घंटाघर मार्केट में, और बाज़ारों में भी भीड़ ज़्यादा है, क्योंकि आपको ध्यान देना पड़ेगा कि कोई चोर उचक्का आपकी जेब पर हाथ साफ ना कर जाए। ये है भिवानी के घंटाघर के भीड़ भाड़ के दृश्य। काफ़ी लोग शॉपिंग करने के लिए यहाँ पर आए हैं और छोटे छोटे दुकानदारों ने जैसे मूर्तियाँ लगाई हैं, क्योंकि गणेश लक्ष्मी की मूर्तियाँ काफ़ी प्रचलित हैं, पूजा के लिए लोगों को नीड होती है इसकी। तो सबसे पहले लोग दिवाली पूजन के लिए दिए गणेश लक्ष्मी की मूर्तियाँ परचेज करते हैं। यह शॉर्ट्स आप देखिए, कैसे कुंभकार बनाकर मूर्तियाँ बेचने के लिए आते हैं मार्केट में, दिए गणेश लक्ष्मी की मूर्तियाँ। और आमजन इस दिन अवश्य खरीदारी करता है, दियों की भी खरीदारी होती है और खासकर मिट्टी की बनी गणेश और लक्ष्मी जी की मूर्तियाँ भी यहाँ काफ़ी मात्रा में खरीदी जाती हैं, क्योंकि हर हिंदू के घर में होता ही है कि मिट्टी की मूर्ति की पूजा करें, गणेश लक्ष्मी की अवश्य पूजा होती है भिवानी में। क्या नाम है आपका? मेरा कौशल नाम भैया। कौशल जी, आप ये मूर्तियाँ बेच रहे हैं? हाँ जी भैया। तो कब से करते हैं यहाँ पे काम? ये भैया शुरू से ही करते हैं, मतलब दादे और करते हैं, शुरू से ही करते हैं यहाँ पे, 15-20 साल हो गए। तो आपकी फैमिली में पहले ही लोग करते हैं? हाँ जी। तो क्या इनके रेट्स वगैरह होते हैं लक्ष्मी जी गणेश जी की मूर्तियों के? ये तो देखो कई डाल के रेट होते हैं जी, 40-50 से शुरू हो जाते हैं, 200-300 तक भी पहुँच जाते हैं। तो ये आप खुद बनाते हैं या परचेज करके लाते हैं कहीं से? परचेज करके लेके आते हैं सर। अच्छा, आप खुद नहीं बनाते, खुद कहीं से लेकर आते हैं और सेल करते हैं? हाँ जी भैया। देखिए, ये भीड़ भाड़ के दृश्य हैं भिवानी के घंटाघर मार्केट के। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि एक बार ड्रोन से पूरा शॉर्ट्स दिखाई इस मार्केट का, पूरा आपको ड्रोन से दिखाई देगा कि क्या माहौल है, कितनी भीड़ है यहाँ पर। हम आपको दिखा रहे हैं एक्सक्लूसिव शॉर्ट्स जो ड्रोन से दिखाए जा रहे हैं सिर्फ भिवानी हलचल पर। ये देखिए भीड़ भाड़ के दृश्य और मार्केट के दृश्य देखिए, लोग बैठे हैं, कलर्स बेच रहे हैं कुछ लोग रंगोली के लिए, और चूड़ियाँ भी बिक रही हैं यहाँ पर काफ़ी मात्रा में। रंगोली के डिज़ाइन भी हैं जो पेपर पर बना के बेचते हैं, जो चिपकाए जाते हैं, और खुले खिलौने जो छोटे बच्चों के लिए, दिए कपड़े, काफ़ी अच्छी अच्छी मार्केट्स लगी हैं, क्योंकि ग्रामीण भी शहरों में बहुत आते हैं सामान परचेज़ करने के लिए, दिवाली की खरीदारी के लिए, खासतौर पर धनतेरस पर, छोटी दिवाली पर, बड़ी दिवाली पर परचेज़ करते हैं। ग्रामीण लोग भी बहुत आते हैं भिवानी में परचेजिंग के लिए, शॉपिंग करते हैं। कोई गणेश लक्ष्मी की मूर्ति ले रहा है, कोई फ्लावर्स ले रहा है, कोई दिए ले रहा है। तो ये एक्सक्लूसिव शॉट जो है ड्रोन से आपको दिखाए जा रहे हैं। देखिए, पूरा मार्केट आपको दिखाई देगा ड्रोन से। यह शॉट सिर्फ भिवानी हलचल पर एक्सक्लूसिव दिखाए जा रहे हैं ड्रोन के थ्रू। देखिए आप, क्या माहौल है मार्केट से, कुछ खरीदारी कर रहे हैं लोग यहाँ? हाँ, खरीदारी तो भाई थोड़ा बहुत तो कर रहे हैं भाई, बड़े बड़े दुकानों में जाते जाते, छोटे दुकानों में कम लोग आते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे कम लोग आते हैं? हाँ, यहाँ कम लोग आते भाई, तो ऐसे पेट गुजारा करने के लिए बैठे हुए भाई। भी कैसी सेल है धनतेरस पर? अब की बात बहुत ही सेल बिल्कुल नहीं है अब की बार। अच्छा, अभी कम सेल लग रही है, इतनी भीड़ भाड़ है मार्केट में? भीड़ बहुत है लेकिन काम नहीं बिल्कुल भी। कैंडल्स, ये मोमबत्ती तो अभी तो दिवाली पे लेंगे लोग, आज ही लेके जाएंगे? पहले हफ्ते पहले काम चलता था हमारा बहुत बढ़िया, अब हमको 4-5 दिन हो लगा होगी, काम बहुत मंदा हो रहा है। तो अगर कहा जाए तो मोमबत्तियाँ कम बिक रही हैं? बहुत ज़्यादा कम बिक रही है, हमारे पास 2 दिन और है, 2 दिन बिकने और है, देखते हैं क्या होता क्या नहीं होता, लेकिन काम बहुत मंदा है। तो क्या लगता है कि लाइटिंग लोग लड़ियाँ ज़्यादा लगाते हैं मोमबत्ती के मुकाबले? नहीं, लाइट तो कम, मतलब मोमबत्ती जलती है त्यौहार पे, अभी 2 दिन बाकी है ना, मोमबत्ती मार सब बिक जाएगा, बचे नहीं है बिल्कुल भी, लड़ियाँ भी लगेगी मोमबत्ती अब लगती है। तो आपको उम्मीद है आप अच्छा कमा लेंगे? हाँ, बढ़िया उम्मीद तो है,
हमेशा दिवाली सोलो होती है, लेकिन दो दिन कम काम करने का होता है, सब माल बिक जाता है। ये क्या पटाखे बेच रहे हैं आप? पटाखे नहीं है, बच्चों का पोप पोप है जी, पटाखे अलाउड नहीं है बेचना। ये फुल जड़ी अलाउड है भाई? फुल बेचते, कुछ नहीं बेच रहे यहाँ पे हम, और कुछ नहीं बेचते। चलिए चलिए ठीक है। अपना कौन सा वो है? तो क्या क्या बेच रहे हैं आप? ये पेठा बेच रहे, खील गुजरी बेच रहे जी। अच्छा, ये पूजा में यूज होते हैं? हाँ जी। तो कैसी है मार्केट में सेल अभी दिवाली की बात करी है जी? हो जाएगी कुछ कमाई आपकी? हो जाएगी जी। अच्छी कमाई होगी? हाँ अच्छी है। अभी क्या शॉपिंग कर रहे हैं आप धनतेरस पे? दीवे है, और ये झाड़ू है, और मूर्तियाँ गणेश जी की। अभी कैसा लग रहा है मार्केट में आपको? काफी उत्साह है लोगों में? बहुत भीड़ हो रही है। बहुत भीड़ है। तो दिवाली इस बार धूम मचाने वाली है? हाँ, धूम मचाने वाली दिवाली है। बहुत अच्छी मनेगी, बहुत अच्छी दिवाली मनेगी इस बार में। तो काफी खुश हैं आप इस बार दिवाली पर? खुश हैं जी, बिल्कुल। कैसी सेल है इस बार दिवाली पर? ठीक है जी, बढ़िया है। तो लोग चाइनीज लड़ियाँ ज्यादा पसंद कर रहे हैं? नहीं है जी, कुछ भी इंडियन है, सब इंडियन है। ये जो लाइटिंग है सब इंडियन है? इंडियन। तो सेल वेल कैसी है? इंडिया, चाइना से, अब इंडिया में ही बनती हैं। अच्छा, सारी लड़ियाँ जो आप देख रहे हैं, जैसे साहिल जी का कहना है, ये इंडिया में ही बनती हैं। ये भी एक अच्छा है कि इंडिया की चीज़ इंडिया में बिक रही है। हाँ, बहुत अच्छी बात है जी। पहले चाइना से इम्पोर्ट होती थी, अब अपने देश में बन रही है। मेरा नाम विनोद कुमार। विनोद जी, क्या क्या सेल लगा रखी है दिवाली पर? स्वेटर्स की हैं, वॉलपेपर हैं, और गिफ्टेड चीज़ें हैं। अभी आज बात करें तो धनतेरस है, तो लोगों में कैसा उत्साह है शॉपिंग को लेकर? बढ़िया है, नाइस, अच्छा चल रहा है। तो इस बार दिवाली लगता है कि अच्छी जाएगी आपकी? ठीक चल रही है, कल से तो अच्छा ही है। अच्छा ही है। और कल और भी अच्छा होगा मुझे लगता है। बस आज मेन दिन है, मेन तो। बाकी शॉपिंग धनतेरस पे लोग ज्यादा करते हैं। खूब। जी, सुरक्षा की दृष्टि से बात करें तो कैसे इंतजाम है घंटाघर चौक पर? घंटाघर पे जी कैमरे वाला भाई ड्यूटी दे रहे हैं जी, यहाँ से हम भी राउंड लगा के आ रहे हैं जी। यहाँ बड़े वाहनों की एंट्री नहीं होने देते हैं बस जी, और तो हम तो चक्कर लगाते रहते हैं। बाइक की एंट्री है यहाँ पर? हाँ, बाइक की एंट्री है जी, क्योंकि भीड़ भाड़ काफ़ी है। तो ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है अभी? वैसे तो अभी तक तो कोई दिक्कत हो ही नहीं है जी, और होगी भी नहीं, क्योंकि आप लोग हैं तो मुझे लगता है कि दिक्कत होगी भी नहीं। हमारे तो हम ऐसे ही कोशिश रखते हैं सर, नहीं होगी, क्योंकि भिवानी के एसपी भी काफ़ी एक्टिव हैं और पुलिस प्रशासन भिवानी का एक्टिव है काफ़ी। हाँ जी, हमारी तो फुल कोशिश यही रहती है जी कि अच्छे से ड्यूटी दें, और फुल कोशिश रहेगी जी, नहीं हो कोई हरकत। बिल्कुल, भिवानी पुलिस काफ़ी चाक चौबंद है और हर गतिविधि पर नज़र बनाए हुए हैं।